Hi everyone, welcome back to my channel. If you're new to my channel, so my name is Himadri and you're watching Grooming with Dimpy. So guys, आज मैं आप लोगों के लेकर आई हूँ होम डेकोर आइटम जो कि मैंने Amazon से ऑर्डर किए हैं एंड सारे के सारे जो ऑर्डर हैं वो सेफली मेरे पास पहुँचे हैं. फॉर दैट आई एम जस्ट सो हैप्पी क्योंकि इनमें से एक दो जो आइटम हैं वो कांच के भी हैं. सो मुझे ये लग रहा था कि कहीं हल्का सा ब्रेक हो गया होगा या कुछ ऐसा, तो मुझे वो रिटर्न करना पड़ेगा एंड देन अगेन मंगाना पड़ेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बहुत सेफली मेरे पास पहुंचे हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वील स्टार्ट आवर वीडियो, बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू विल नेवर मिस आउट माय एनी वीडियो. एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो. आई विल गिव द लिंक ऑफ माई इंस्टाग्राम इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और सारे के सारे प्रोडक्ट्स का लिंक्स भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां जाकर जरूर चेकआउट कर सकते हैं. सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट. हम लोग बात करने वाले हैं इन पॉट्स की जो कि आर्टिफिशियल, जो भी आपको ग्रीनरी इसमें दिख रही है, ट्रीज बने हुए हैं, वो आर्टिफिशियल हैं. इनका जो नीचे का हार्डवुड है, ये जो नीचे का है ये प्लास्टिक का है. एंड एज यू कैन सी जो बेस में दे रखा है वो ग्रीन कलर का वेलवेट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर चिपकाया हुआ है. बाकी आप लोगों को ट्री मिल रहा है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है. अगर आप लोग इसको अपने होम डेकोर में कहीं भी इस्तेमाल करना चाहेंगे या टेबल पे रखना चाहेंगे या कुछ भी, तो आप इसको ज़रूर यूज़ कर सकते हैं. मुझे ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा है. एज यू कैन सी, सबसे अच्छी बात क्या है इस चीज़ की कि इसमें सजाने के लिए आप लोगों को यहाँ पे ये चार बर्ड्स दे रखी हैं. एज यू कैन सी, दो ग्रीन कलर की हैं, दो ऑरेंज से कलर की हैं. तो आप लोग यहाँ पे कहीं पे दो बर्ड्स को यहाँ इसमें एक में लगा सकते हैं और दो बर्ड्स को यहाँ दूसरे में लगा सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा. तो आप इसको ज़रूर ट्राई करेगा क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा है. एज यू कैन सी, सेकेंड आइटम जो है वो है ये, और ये एक वॉल हैंगिंग काइंड ऑफ थिंग है. सो एज यू कैन सी कि आप किसी भी वॉल पे इसको टांग सकते हैं. सो यहाँ पे टांगने का है, यहाँ पे सर्कल सा दे रखा है और नीचे पे पूरा सा पूरा का पूरा जो है फेदर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं. यहाँ पे बीच में आपके जो है ये पॉल लगे हुए हैं. एज यू कैन सी, सो ये कहीं पे भी आप वॉल पे इसको अटैच कर सकते हैं, वॉल पे ये हैंग करके बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा. इसमें बहुत सारे कलर के भी थे बट मेरे को व्हाइट कलर चाहिए था, तो इसलिए मैंने इसको ऑर्डर किया है. तो ये मुझे बहुत ज्यादा खूबसूरत लगा है, आप लोग भी इसका जरूर मंगा सकते हैं. नेक्स्ट जो चीज है गाइज वो है ये. एंड आप लोग बोलेंगे कि एच क्यों मंगाया है. माय नेम इज हिमाद्री, तो जो मेरा नाम है हिमाद्री एच से, तो मैंने इसलिए इसको मंगाया है. तो मैं कहीं भी किसी भी टेबल पे या कभी मैं अपना आप लोगों को वॉल के पीछे पे, मतलब कोई यहाँ पे यू नो टेबल लगा के या कुछ भी लगा के, तो मैं उसको ही सजा सकती हूँ. इसमें दो सेल आप लोगों के लगेंगे यहाँ पीछे पे, और इसको अगर आप लोग ऑन करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से आएगा. एज यू कैन सी, सो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है. तो मैंने इसलिए एच में मंगाया है. हालांकि ग्रूमिंग विद डिम्पी है चैनल का नेम, तो मुझे जी से मंगाना चाहिए था या फिर मैं डिम्पी के नाम से मंगाती, बट माय नेम इज हिमाद्री, तो इसलिए मैंने एच के नाम से इसको मंगाया है. और इसमें और भी अल्फाबेट्स थे तो आप वो भी मंगा सकते हैं. तो ये मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा है. जो नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करूँगी वो आपकी लाइटनिंग जो आप मेरे पीछे पे देख रहे हैं, ये जो मैंने लगा रखी है वॉल पे सजाने के लिए. सो ये जो लाइटनिंग थी ये नॉर्मली कैसी थी कि इसकी लाइट्स पे ये लगे हुए थे स्टार्स. एज यू कैन सी, सो ये स्टार्स हर एक बल्ब पे आपका अटैच हो रखा था यूं करके. सो पर जब मैंने इसको वॉल पे लगाया तो ये उतना कुछ यू नो लाइटनिंग का इफेक्ट उतना अच्छा खास नहीं आता. तो ये मैंने सारे के सारे निकाल दिए और बिना मैंने जो ये स्टार्स है उसके लगा रखा है. अगर ये लाइटनिंग मैं किसी और चीज पे डेकोरेट करूंगी तो मैं ऑफकोर्स मैंने ये सारे के सारे संभाल के रखे हुए हैं. एज यू कैन सी सारे मेरे पास संभाले हुए हैं और मैं इसको अटैच करके उस पर सजाने के लिए लगा सकती हूँ अगर मैं किसी चीज पे अटैच करूंगी तो. सो ये वाली लाइट है. अब जो नेक्स्ट चीज है वो है मनसा होम डेकोर LED लाइट, जो कि है ये. और इसके अंदर जो मुझे मिला है वो इस तरीके से मिला है. सो ये पूरी की पूरी आपकी कॉपर की है. वायर्स में आपके
बल्ब लगा रखे हैं और जो ये कनेक्ट करने का दे रखा है वो आपको वायर दे रखी है, बट जैसे हम लोग जो हमारा चार्जिंग प्लग होता है तो उसमें जैसे ये अटैच करने के लिए, तो इस तरीके का दे रखा है। तो मैं इसको आप लोगों को ऑन करके दिखा देती हूँ। सो ये वो लाइट है और मैंने यहाँ पे अपने एक्सटेंशन के साथ इसको लगा रखा है। इसकी जो वायर की लेंथ दे रखी है वो आई थिंक 2 मीटर्स और 3-4 मीटर्स ऐसे दे रखी है। तो ये पूरी की पूरी कॉपर की है और इसमें जगह जगह पे इस कॉपर की जो वायर है इसमें आप लोगों के ये लाइट्स लगी हुई हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। अगर आप लोग किसी चीज़ पे इसको डेकोरेट करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। सो दिस इज़ व्हाट द लाइट इज़। और आप इससे फोटोग्राफ्स वगैरह भी ले सकते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आएंगी। सो दिस इज़ व्हाट द नेक्स्ट होम डेकोर इज़। नेक्स्ट चीज की जो हम बात करने वाले हैं गाइस वो ये है। सो ये मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट है। इसमें 2 का सेट है, आप लोगों का ये 3 या 4 का सेट भी आता है पर मैंने ये 2 का सेट मंगाया है। ये पूरा का पूरा आपका ग्लास का है एज यू कैन सी। सो इसमें कलरफुल से स्ट्रक्चर बने हुए हैं कांच के ऊपर ही। इसमें ग्रीन, रेड, येलो, ब्लू कलर दे रखा है, बहुत ही ज्यादा सजाने के लिए बहुत सुंदर है। इसमें आप लोग क्या कर सकते हो, जो ये लाइटनिंग है ये भी आप इसके अंदर डाल सकते हो, लाइट भी इसके अंदर डाल सकते हैं। तो एज यू कैन सी, सो 3-4 लाइट अगर आप इसके अंदर डालेंगे तो भी ये बहुत ज्यादा खूबसूरत लगेगा। पर मैंने इसके लिए जो मंगाया है वो मैं अभी, वो नेक्स्ट आइटम है, मैं आप लोगों को वो दिखाती हूँ। पर इसको देख लीजिए, ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है। अगर आप लोग इस तरीके से सजाते हैं और इसके बीच में कुछ भी लाइटनिंग रखते हैं, कैंडल रखते हैं, तो ये बहुत ज्यादा खूबसूरत लगेगा। अब मैं आप लोगों को जो नेक्स्ट आइटम दिखाती हूँ वो मैं इस चीज में यूज करने वाली हूँ। सो जो नेक्स्ट आइटम मैं इस चीज में यूज करने वाली हूँ वो है ये, और ये है एज यू कैन सी यहां पे दे रखी है सेंटेड कैंडल्स। सो ये सारी की सारी 6 की 6 जो है सेंटेड कैंडल्स है, जो कि मैंने इसके लिए ही मंगाई थी ताकि मैं इसको इसके अंदर रख के और इसको जला सकूं। सो दिस वन, इसका जो स्मेल है वो रोज का स्मेल है। इसमें आपको लेमन का स्मेल, वनीला, रोज, लेवेंडर, ये सारे के सारे स्मेल आप लोगों को इसमें मिल जाएंगे। मैं अगर इसको जलाती हूं और उसके बाद इसको इसमें प्लेस करती हूं तो इसमें जो ये लाइटनिंग आएगी इसके ये जलाने के बाद, एज यू कैन सी कैंडल को जलाने के बाद जो ये लाइटनिंग आएगी वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लगेगी। एंड द स्मेल ऑफ द सेंटेड कैंडल इज रियली अमेजिंग, रियली गुड। तो आई थिंक कि आप लोगों को ट्राई करना चाहिए कभी भी होम डेकोर में। आप लोग इस तरीके से अगर इफेक्टिव लुक चाहते हैं अगर अपने घर में, दिवाली है, होली है, कोई मेहमान आता है या कुछ भी, तो अगर आप लोग इस तरीके से सजाना चाहते हैं तो आप इसको ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। आई लव्ड इट और आप लोगों को एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो मुझे बहुत अच्छी लगी है एंड सेंटेड कैंडल्स आई जस्ट लव देम, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। सो दिस इज़ व्हाट द आइटम, और जो इसके अंदर का आइटम है वो सेंटेड कैंडल्स का, वो मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ। 6 का कैंडल का सेट है एज यू कैन सी, और ये 6 की 6 कैंडल्स में अलग अलग स्मेल है। किसी में वनीला की स्मेल आ रही है, किसी में लेमन की स्मेल है, लेवेंडर की स्मेल है, तो ये सारी की सारी स्मेल्स इसमें हैं। अगर आप लोग ये फ्रेग्रेंस चाहते हैं अपने घर में तो ये सेंटेड कैंडल्स ज़रूर मंगाइएगा, मुझे बहुत अच्छी लगी है। मैं इसका जो अभी मैंने एक भी नहीं जलाई है, बट मैं इसको जलाने के बाद आप लोगों को जरूर शेयर करूंगी इंस्टाग्राम पे कि इसकी स्मेल कैसी है, अच्छी है कैसी है, तो वो आप लोगों को इंस्टाग्राम की स्टोरीज में मिल जाएगा। तो आप लोग वहां जाकर मुझे जरूर फॉलो करिएगा, तभी आप लोगों को पता लगेगा कि ये कैंडल्स किस तरीके से फ्रेग्रेंस आ रही है या नहीं आ रही है इनमें। सो आई लव देम, ऐसे तो आ रही है बट आई डोंट नो अबाउट जलाने के बाद कैसी होगी। जो नेक्स्ट आइटम है गाइज वो ऐसा कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है बट ऑफकोर्स हमारे कपड़ों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि ये हैंगर्स। एंड सॉरी टू से बट ये हैंगर्स मैंने मंगा तो लिए बट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है ये हैंगर्स। ये 12 का सेट है बट द थिंक इज कि जो ये हैंडल दे रखा है ये बिल्कुल भी आपका मूव नहीं कर रहा है। तो आप किस तरीके से इसको
कहाँ पे आप यूज कर सकते हैं, जहां पे आपकी बार लगी हुई हो और उस पे इसको आप लगा रहे हो, तो इधर भी स्पेस होना चाहिए, इधर भी स्पेस होना चाहिए, क्योंकि ये टर्न नहीं होगी। तो ये आपका एग्जैक्ट वैसे ही है, या आपका टर्न नहीं होने वाला है। तो आई डिडंट लाइक इट, मुझे ये हैंगर्स पसंद नहीं आए, बट फिर भी मैं यूज कर रही हूँ, व्हाट टू डू। तो दिस इज व्हाट द पीस इज। गाइज आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और मेरे चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसको यू नो सब्सक्राइब करके इसको आगे बढ़ाइए, मुझे मोटिवेट करिए, ताकि मुझे और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। सो अभी के लिए इतना ही, और अब हम लोग मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में विद अमेजिंग हॉल्स के साथ, रिव्यूज के साथ। सो तब तक मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।